नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। फार्मासिस्ट की भर्ती आयोग के माध्यम से होगी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ग्रुप सी में आयोग के माध्यम से जो ग्रुप सी की भर्ती होनी है, वो ग्रुप सी की भर्ती आयोग करा सकता है, यह अधिकार आयोग का है, हाईकोर्ट ने कह दिया है। और फार्मासिस्ट की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। 2003 से 2007 तक की के लिए जो याचिका पड़ी थी दोस्तों की ईयर वाइज हो, वह याचिका खारिज हो गई। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें फार्मासिस्ट भर्ती से रिलेटेड। और मैं अभी आपको वन बाय वन सब अपडेट क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आयोग को ग्रुप सी की भर्ती का अधिकार हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी की भर्ती फार्मासिस्ट की जो 4000 भर्ती निकली थी वह करा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने का अधिकार है, उसकी इस अधिकारता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने फार्मासिस्ट के खाली पदों की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने भरत जी व 16 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकागढ़ 2003 के फार्मासिस्ट के डिप्लोमा धारक हैं। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता JS बुंदेला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश पर 2002 तक के कार्यरत फार्मासिस्ट को हर प्रकार के खाली पदों पर समायोजित किया गया है। सभी को समायोजित करने के बाद नियम बदल गए हैं, और नियम ये बदल गए हैं कि आयोग अब अपनी ये ग्रुप सी की जो भर्ती है खुद कराएगी, और यह पेपर होगा, पेपर के माध्यम से होगा, एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी जहां तक है हो सकता है। तो दोस्तों यह सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको सीनियरिटी बेस पर फार्मासिस्ट बनने का मौका नहीं मिलेगा, जो पढ़ेगा और परीक्षा में पास होगा उसी का जो है ग्रुप सी के पद पर नियुक्ति होगी, फार्मासिस्ट के पद पर। और इसी के साथ दोस्तों मैं दूसरी अपडेट बता रहा हूँ। फार्मासिस्ट की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो रही फार्मासिस्ट की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को ग्रुप सी की भर्ती का अधिकार है, आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने भरत जी ने 2013 के 16 फार्मासिस्ट डिप्लोमा धारकों की याचिका दिया था, और वह याचिका खारिज कर दी। इन्होंने ये कहा था कि फार्मासिस्ट की भर्ती 2003 से 2007 तक की जो लिस्ट आज के कुछ महीने पहले आई थी वह सीनियरिटी बेस पर हो, लेकिन दोस्तों सीनियरिटी बेस पर नहीं होगी। अब हाँ, फार्मासिस्ट परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, और जहां तक हो सकता है इंटरव्यू भी हो, लेकिन हमें तो जहां तक लगता है जो 4000 फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी, अब वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह एग्ज़ाम के बाद नियुक्ति होगी। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखिए, यह भर्ती 4000 जो पोस्ट इसके पहले आई थी वह जल्द से जल्द आने वाली है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों, बहुत दिनों बाद फार्मासिस्ट की भर्ती आ रही है। तो दोस्तों आप लोग जारी रखिएगा पढ़ाई, और मैं दोस्तों यही कहूँगा, अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देते हैं कर देंगे तो मेरा सभी वीडियो आपको मिलेगा फार्मासिस्ट भर्ती से रिलेटेड, और मैं इस समय फार्मासिस्ट की तैयारी भी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।